हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। टुडे वी विल सॉल्व अ ग्रामर वर्कशीट। पहले भी मैं ऐसी बहुत सी वर्कशीट्स अपनी क्लासेस में शेयर कर चुकी हूँ, वो अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में ये जो वर्कशीट हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF लिंक होगा, वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसमें राइट करना है। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज और वर, यू विल यूज़ वॉज और वर प्लस ing, ing फॉर्म विद द वर्ब। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, वी विल राइट एट द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म है, वी विल राइट वर हेयर, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से आपको इसको राइट करना है। नेक्स्ट इज आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ एम है दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस एंड सिंगुलर है, सो यहाँ पर आप वॉज का यूज़ करेंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक। इसमें एक ट्रिक है, आप लर्न करने के लिए इसको देख सकते हैं, वॉज या वर कहाँ लगेगा। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नाउन, यहाँ पर एस है, ये वॉज सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है एंड वर इज़ यूज फॉर प्लूरल वन। आई वॉज रीडिंग अ बुक। सेलिना इज़ बेकिंग मैंगो चीज़ केक, सेलिना वॉज मेकिंग, सेलिना क्यों है सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। मिस पॉलिन इज टीचिंग द न्यू कोर्स इन द सेमेस्टर, मिस पॉलिन अगेन सिंगुलर नाउन, सो वी विल यूज वॉज हेयर, वी विल रिप्लेस इज विद वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में वर्ब्स गिवन है, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इनके फिल करना ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म दैट इज is, am, are, इनमें से कुछ लगेगा प्लस ing फॉर्म, ing add होगा। लाइक वी आर डैश सम मनी टू द फ्लड रिलीफ फंड, यहाँ पर ब्रैकेट में है डोनेट, सो यू विल राइट डोनेटिंग, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपको राइट करनी है। मोनिका इज डैश मुंबई नेक्स्ट मंथ, लीव लीविंग, इज एम आर यहाँ पर लगा हुआ है, वॉज वर ये सब लगा हुआ है, आपको जस्ट क्या फिल करना है, इंक फॉर्म लगा कर इसको फिल करना है। द पुलिस वर डैश द केस फॉर सम टाइम, इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेटिंग, रोमित एंड हिज फैमिली आर डैश फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, आर यहाँ पर वर्ड है गो, यू विल राइट गोइंग, रोमित एंड हिज फैमिली आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। दिस इज हाउ वी विल कम्प्लीट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस, यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट एडवर्ब चूज करना है। राइट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश, एडवर्ब मीन्स दैट शोज द मोर क्वालिटी अबाउट अ वर्ब, दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। सो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश आउटसाइड और एंग्रीली, द करेक्ट ऑप्शन इज आउटसाइड, the children are playing outside, she spoke to us dash, she spoke to us recently। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस आपको फिल करनी है, प्रीपोजिशंस मीन्स जो पोजिशंस जो वर्ड बताते हैं वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द मैच बिगिंस डैश 10 AM, यहाँ पर मैं हमेशा प्रीपोजिशंस में बताती हूँ, जब भी हम टाइम का यूज़ करते हैं, किसी भी टाइम को हम शो करते हैं, सो वी ऑलवेज यूज़ एट, द मैच बिगिंस एट 10 AM, यहाँ पर एट आएगा। डोंट स्टैंड डैश ऑफ मी, यू आर ब्लॉकिंग द व्यू, मेरे सामने मत खड़े हो, तुम व्यू ब्लॉक कर रहे हो। सो सामने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ हम क्या राइट करेंगे, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर ब्लॉकिंग द व्यू। इस तरह से ये करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये कम्बाइंड वर्कशीट है, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि हमने लास्ट किया था पास्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट आया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मींस ये टेंसेज इसमें इंक्लूडेड हैं, यहाँ पर ये एडवर्ब्स आ जाते हैं, नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस, उसके बाद ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है जो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस,
Rosinka was very naughty dash she was young. So यहाँ पर conjunction use होगी when. Rosinka was very naughty, वो बहुत naughty थी जब वो young, जब वो छोटी थी, when she was young. Dash Mr. Gupta is quite old, he is still very fit. Still, Mr. Gupta is quite old, वो बहुत old हो गए हैं but still he is very फिट. यहाँ पर इस तरह से कंजंक्शंस का आप क्वेश्चन फिल करेंगे. या आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज पंक्चुएट द सेंटेंस. पंक्चुएशन मीन्स कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब पंक्चुएशंस होते हैं. जैसे कि इसमें है आई लाइक टू ईट एप्पल्स, बनानाज एंड मैंगोज. सो यू विल पुट कॉमाज हियर. एप्पल्स के बाद कॉमा एंड बनानाज के बाद कॉमा हम नहीं लगाएंगे बिकॉज एंड से पहले हम कॉमा यूज़ नहीं करते हैं. My brother-in-law's house is located in South Delhi. यहाँ पर क्या punctuation use होगा? You will use apostrophe s here. Brother-in-law's, brother-in-law का house, right? तो उसके लिए हम apostrophe s use करते हैं. Next is yuck. The fish tastes raw and I can't eat it. यहाँ पर एक तो सबसे पहले क्या आएगा? Yuck. यहाँ पर आएगा exclamation mark. Exclamation, yuck. एक exclamatory sentence है ये. Next, I can't eat it. Can't में भी यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं contractions. Contractions, जो हम two words को combine करके एक short word बनाते हैं, we say it contraction. तो यहाँ पर can't, इस तरह से हम इसको लिखेंगे. Can and comma ऊपर लगा के T. This is can't. I can't eat it. Next question is read the passage and answer the question. You will read the passage carefully and answer the following questions. On the basis of this paragraph, the questions are written. First question is choose the correct option for each. According to the story, you have to answer the question. First of all, read the passage. And the next one is, यहाँ पर आपको इसी तरह से questions मिलेंगे. Tick the correct options हैं ये. Next is, what is the difference between a perennial and an annual? ये भी आपको question उसी का है, paragraph का. तो आप इसको solve करेंगे. चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.